नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल प्रभु दर्शन करें में। 13 जनवरी 2020 संकट तिल चौथ चंद्र दर्शन शुभ मुहूर्त व्रत कथा व पूजन विधि। भगवान श्री गणेश जी मंगल मूर्ति हैं। शास्त्रों के अनुसार सभी देवों में सबसे पहले श्री गणेश जी का पूजन किया जाता है, क्योंकि यह शुभता के प्रतीक है। बिना इनके पूजन के कोई भी कार्य और इच्छा पूरी नहीं होती है। यूं तो हर माह चतुर्थी तिथि पड़ती है, पर बात करें माघ माह के कृष्ण पक्ष चतुर्थी की, तो लोकप्रिय भाषा में इसे संकट चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन श्री विघ्नहर्ता गणेश जी का पूजन, अर्चना और व्रत किया जाए तो व्यक्ति के समस्त संकट दूर हो जाते हैं। आज हम आपको साल 2020 माघ माह के संकट चौथ व्रत की शुभ तिथि, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और व्रत के बारे में बताएंगे। सबसे पहले बात करते हैं संकट चतुर्थी शुभ मुहूर्त 2020। साल 2020 में संकट चतुर्थी का व्रत 13 जनवरी सोमवार के दिन रखा जाएगा। चतुर्थी तिथि शुरू होगी 13 जनवरी शाम 5:32 पर। चतुर्थी तिथि समाप्त होगी 14 जनवरी शाम 2:50 पर। संकट चौथ चंद्र उदय का समय होगा 14 जनवरी रात्रि 8:33 पर। आइए जानते हैं श्री गणेश संकट चतुर्थी पूजन विधि के बारे में। संकट चौथ का व्रत माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के दिन किया जाता है। यह व्रत महिलाओं द्वारा निसंतान की कुशलता, लंबी आयु और सफलता के लिए किया जाता है। इस दिन भगवान श्री गणेश और माता पार्वती जी की विधिवत पूजा करनी चाहिए। व्रत का आरंभ तारों की छाव में करते हुए पूरे दिन निराहार रहते हुए चौथ पर मिट्टी की बनी गणेश जी की प्रतिमा बना ले और घर के मंदिर में मंडप बनाकर इस प्रतिमा को स्थापित कर ले। भगवान श्री गणेश की प्रतिमा जी का श्रृंगार करते हुए विधिवत पूजा कर उन्हें अत्यधिक दुर्वा अर्पित करें। अंत में श्री गणेश जी को मोदक और तिल से लड्डुओं का भोग लगाएं। चंद्र दर्शन पूजा विधि। संकट चौथ के व्रत में चंद्र दर्शन और चांद की पूजा का विशेष महत्व होता है। चतुर्थी के दिन चांद निकलने के पश्चात चंद्रमा को दूध मिले जल से अर्घ देते हुए तेल, गुड़ व दुर्वा अर्पित करनी चाहिए और उनके समक्ष दूध दीप करते हुए चंद्रदेव से संतान की दीर्घायु, सुखी जीवन और व्रत की सफलता की कामना करते हुए व्रत पूरा करना चाहिए। संकट चौथ व्रत का महत्व। चौथ का यह व्रत स्त्री अपने संतान की दीर्घायु और सफलता के लिए करती है। शास्त्रों के अनुसार इस व्रत के प्रभाव से संतान को रिद्धि सिद्धि की प्राप्ति होती है और उनके जीवन में सफलता के मार्ग में आने वाली सभी विघ्न बाधाएं दूर कर देते हैं। यह व्रत व्यक्ति के हर दुखों को दूर करने वाला और सभी इच्छाएं और मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाला है। आइए जान लेते हैं संकट चौथ व्रत की कथा। चौथ की प्रचलित कथाओं में से एक प्रचलित कथा के अनुसार एक बार विपदा में पड़े देवता भगवान शिव के पास अपनी समस्याओं के निवारण के लिए गए। तब भगवान शिव ने अपने दोनों पुत्रों से पूछा कि तुम दोनों में से कौन वो वीर है जो देवताओं के कष्टों का निवारण करेगा। तब कार्तिकेय ने स्वयं को देवों का सेनापति प्रमाणित करते हुए कहा, देव रक्षा का अधिकार सिद्ध किया। तब भगवान शिव ने गणेश जी की इच्छा पूछी तो उन्होंने कहा कि मैं बिना सेनापति बने ही इनके संकट दूर कर सकता हूँ। इस पर महादेव ने दोनों को पृथ्वी की परिक्रमा करने को कहा और कहा कि जो पहले परिक्रमा पूरी करेगा वही वीर घोषित किया जाएगा। यह सुनकर कार्तिकेय पृथ्वी की परिक्रमा के लिए निकल गए, लेकिन गणेश जी ने अपने माता पिता के साथ परिक्रमाएं करते हुए कहा कि इनमें ही समस्त तीर्थ यही हैं। गणेश जी की इस बात से सभी देवता नतमस्तक हो गए और महादेव ने उनकी प्रशंसा करते हुए उन्हें आशीर्वाद दिया, प्रत्येक कार्य से पहले तुम्हारी पूजा होगी। इसके बाद पिता की आज्ञा से गणेश जी ने देवताओं के संकटों का भी नाश किया। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। लौटेंगे एक नए वीडियो के साथ। जी हाँ दोस्तों, मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारी आने वाली हर एक वीडियो की अपडेट आप तक पहुंच सके।